ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। মহারাষ্ট্রের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ উদ্ধব ঠাকরের। এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি মৃত্যুঞ্জয় সিং এর সঙ্গে। মৃত্যুঞ্জয়, উদ্ধব ঠাকরে কা কেয়া কেনা হ্যায়? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र जिस प्रकार से पूरे देश भर में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले अब तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। 200 से अधिक लोगों की मौत सिर्फ महाराष्ट्र में हुई है, मुंबई में ये आंकड़ा 126 के करीब है। ऐसे पर उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया और बताया कि ये जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसमें किस प्रकार से महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है। लगभग 65,000 से अधिक लोगों के टेस्ट सिर्फ महाराष्ट्र में किए गए हैं, जिसमें से 95% लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, 3,600 के करीब लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 350 लोग ठीक होकर अपने घरों पर गए हैं। उद्धव ठाकरे ने नागरिकों को हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि ये 6 हफ्ते की लड़ाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हुई है, आगे भी हमें लड़ना है और इसमें सभी के सहयोग की जरूरत होगी। जिससे भी जो सिम्टम दिखे वो स्थानीय डॉक्टर को जाकर तुरंत दिखाए, इस प्रकार से अपील की है। साथ ही साथ बताया है कि किस प्रकार से 80 से 90% लोगों को राशन महाराष्ट्र सरकार ने उपलब्ध कराया है। देखिए, समय समय पर उद्धव ठाकरे आकर जनता को संबोधित करते हैं और एक विश्वास दिलाते हैं, एक हिम्मत बढ़ाते हैं कि इस लड़ाई में हमें किस प्रकार से मिलकर लड़ना है। कहीं ना कहीं चिंताजनक बातें हैं। आपको बता दें कि मुंबई के जो कई इलाके हैं, धारावी, वरली, इन जगहों पर हाइड्रोक्सी दवाई है वो उसको दवाई दिया जाना है, घर घर जाकर दवाई दिया जाना है, रैपिड टेस्ट की जो कल्पना है रैपिड टेस्ट किया जाएगा, तो ये तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। संख्या जो है वो चिंता सब देने वाली खबरी है कि पिछले না আমাদের কোথাও গিয়ে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, আমরা পরে আবারও যোগাযোগ করার চেষ্টা করব মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে। বুঝতেই পারছেন মহারাষ্ট্রে এই মুহূর্তে করোনার যা পরিস্থিতি।